नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बजे और इस बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। टीएमसी के सांसद घटना के विरोध में काली पट्टी लगाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। तो हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता के पास, जिन्होंने ये खबर हमें दी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी को चोट लगी थी नंदीग्राम में जब वो भीड़ में थी। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि साजिशन उन्हें मारा गया है, उन पर हमला किया गया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अस्पताल से अपना वीडियो संदेश जारी किया था तो उसने साजिश और बीजेपी का बिल्कुल नाम नहीं लिया था। सुनिए स्वागत राय क्या कहते हैं। दिल्ली रिपोर्ट देंगे कि एक हफ्ता से इलेक्शन कमीशन का निर्देश से 2 बड़े ऑफिसर जो कानून का स्थिति देखते हैं उसको हटाया गया। डीजी ऑफ पुलिस बीरेंद्र को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उनको हटाया गया। और बीजेपी के नेता लोग पहले से बोलते थे ममता बनर्जी जब नंदीग्राम जाएगी तब उनको सबक सिखाया जाएगा। इसमें उसका प्रेसिडेंट दिलीप घोष भी है, उसका युवा संगठन का प्रेसिडेंट भी है, खुद नरेंद्र मोदी भी ऐसे बोले कि दीदी का स्कूटी नंदीग्राम में उलट जाएगा। तो इसके साथ और ऑफिसर को हटाने के साथ ममता जी को जो चोट लगा इसको हम कनेक्ट करते हैं कि कानून का स्थिति खराब होते जा रहा है और ममता बनर्जी का इतना ज्यादा चोट लग गया, बड़ा दुखद बात है।